दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि फिल्मों में सिर्फ 5 से 10 सेकंड के सीन के लिए लाखों करोड़ों की कार्स ब्लास्ट कर दी जाती है, या फिर आप इस बात को लेकर परेशान हैं कि एक ही सीन में डबल रोल यानी दो सेम टू सेम करेक्टर कैसे दिखाए जाते हैं। साथ ही साथ आपने अक्सर फिल्मों में हीरो और हीरोइन को किसिंग करते हुए देखा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसकी रियलिटी बिल्कुल अलग है। आज की इस वीडियो में हम फिल्मों में होने वाले कुछ यूनिक सीन्स की रियलिटी आपको बताएंगे, जिसकी सच्चाई जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं कार ब्लास्टिंग सीन्स पर। दोस्तों, आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि सिर्फ 5 से 10 सेकंड के सीन के लिए लाखों करोड़ों की कार्स तबाह कर दी जाती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रियल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, हॉलीवुड मूवीज की बात करें तो इनमें ज्यादातर तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में जिनका बजट काफी हाई होता है, सिर्फ उनमें कार्स के ब्लास्ट का सीन रियल होता है। मगर वो लोग उस मूवी से इतना पैसा कमा लेते हैं कि उनके लिए इन कार का नुकसान बिल्कुल ना के बराबर होता है। बॉलीवुड और तमिल मूवीज की बात करें तो इनमें कार्स के ब्लास्ट का सीन बिल्कुल भी रियल नहीं होता। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सब कुछ स्टूडियो में ग्रीन स्क्रीन की मदद से तैयार होता है। सबसे पहले ये लोग नकली कार्स तैयार करवाते हैं, इसके बाद फिल्म के सीन को बिल्कुल असली दिखाने के लिए एक बड़े टेबल पर मिट्टी डाल दी जाती है रोड बनाने के लिए। इस तरह वो लोग पूरा एक सेट तैयार कर लेते हैं, जिसमें रोड, ब्रिज, कार्स और जो चीज भी हमें दिखानी होती है। इसके बाद वो कार्स को अपने अपने पोजीशन पर रख देते हैं और फिर जिस कार को उड़ाना होता है उस कार को पहले धागे से बांध लेते हैं, फिर धागे को खींच कर ऊपर की तरफ कार को उड़ा लिया जाता है और फिर कार को नीचे छोड़ दिया जाता है। कार के नीचे गिरने के बाद इसमें मोमबत्ती के टुकड़े डालकर आग लगा दी जाती है, ताकि सीन में ऐसा लगे कि कार में आग लगी है। इस तरह इस सीन को बिल्कुल रियल दिखाने के लिए एडिटिंग के जरिए इस धागे को बिल्कुल रिमूव कर दिया जाता है और VFX लगाकर इस सीन को बिल्कुल रियलिस्टिक सीन बना लिया जाता है। आपने अक्सर मूवीज में एक लाइन से कार्स को चलते हुए देखा होगा, तो यार इसका प्रोसेस भी सेम है। सबसे पहले ये लोग इन नकली कार्स को नीचे से टेप की मदद से जोड़ लेते हैं। इसके बाद सबसे पहली जो फ्रंट में कार होती है उसे धागे से बांध लिया जाता है और फिर इसको आगे की तरफ खींचते हैं। इस तरह कार्स एक साथ चलने लगती है। बस इसके बाद एडिटिंग और VFX लगाकर इस नकली कार्स को बिल्कुल असली कार्स के चलने का सीन बना लेते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड मूवीज में कई एक्टर्स को डबल रोल करते हुए आप देखकर परेशान होंगे, तो यार मैं आपको बता दूं कि ये आज के दौर में बहुत ही आसान है। आज के दौर में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि लोग डबल रोल को यूट्यूब वीडियोज में भी करने लगे हैं। हाँ, शुरू के फिल्मों में डबल रोल करना काफी मुश्किल होता था, लेकिन अब तो ये इतना आसान हो गया है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी खुद की एक डबल रोल की वीडियो बना लो। दोस्तों, डबल रोल के जो सीन होते हैं उसे हमेशा दो हिस्सों में तैयार किया जाता है। जब एक्टर से डबल रोल का सीन करवाया जाता है तो उसके सामने एक स्टेन या फिर कोई पुतला रख दिया जाता है, ताकि एक्टर को ऐसा लगे कि उसके सामने बिल्कुल उसके हमशक्ल का इंसान खड़ा है। इसके बाद एक्टर उस स्टेन की तरफ मुंह करके डायलॉग्स बोलता है और इस सीन को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इसके बाद दूसरे सीन की बारी होती है। इसके बाद एक्टर अपने कपड़े और पोजीशन को चेंज करके जिस जगह पहले सीन में स्टेन रखा गया होता है वहीं पर जाकर अपने आगे का किरदार निभाता है। जब ये दोनों सीन रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं तो इसके बाद बारी आती है वीडियो एडिटिंग की। वीडियो एडिटिंग के दौरान इन दोनों क्लिप्स को एक साथ जोड़ दिया जाता है और इस तरह एक डबल रोल का सीन आसानी से तैयार हो जाता है। दोस्तों, आपने अक्सर मूवीज में हीरो और हीरोइन को किसिंग करते हुए देखा होगा और आप लोग इस रोमांस सीन को काफी खुशगवार मूड से देख रहे होते हैं, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कह दूं कि ये दोनों एक दूसरे को किस नहीं बल्कि नारियल या शीशे के गिलास को किस कर रहे हैं। तो दोस्तों, दरअसल फिल्मों में होने वाली किसिंग ज्यादातर तो रियल होती है। मैं आपको बता दूं कि हीरो और हीरोइन एक दूसरे को सच्ची में किस कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है
कि हीरो और हीरोइन की शुरू से एक दूसरे के साथ नहीं लगती या फिर फिल्म के दौरान इन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है तो ऐसे में वो दोनों एक दूसरे को किस करने के लिए तैयार नहीं होते। फिर इस सीन को बनाने के लिए डायरेक्टर के पास एक दूसरा हल होता है। ग्रीन स्क्रीन की मदद से एक्टर या फिर एक्ट्रेस को ग्रीन बॉल, नारियल या फिर शीशे की गिलास को रियल एक्सप्रेशन के साथ किस करने को कहा जाता है। जब हीरो और हीरोइन ये दोनों सीन कर लेते हैं, बस इसके बाद इन क्लिप्स को एडिटिंग और VFX के जरिए एकदम रियल किसिंग का सीन बना लेते हैं। दोस्तों, हर एक फिल्म में आपने हीरो की खूबसूरत बॉडी को जरूर देखा होगा। फिल्मों में हीरो की बॉडी को देखते हुए आप कहेंगे कि इन्हें बॉडी का ओलंपिया गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फिल्मों में दिखाई जाने वाली हीरो की बॉडी बिल्कुल भी ऐसी नहीं होती। दरअसल इनका पेट इतना बड़ा होता है कि इन्हें अपना पेट कम करने और सिक्स पैक्स निकालने के लिए जिम में 10 साल लग जाएं। हाँ, कुछ एक्टर्स हैं जिनकी बॉडी काफी अच्छी है, जैसे ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ और जॉन अब्राहम, लेकिन इनकी भी इतनी अच्छी नहीं है कि जितनी फिल्मों में दिखाई जाती है। दरअसल ज्यादातर एक्टर तो फेक बॉडी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये इनकी रियल बॉडी बिल्कुल भी नहीं होती, जिसमें एक्टर फेक बॉडी का कॉस्ट्यूम पहनकर खुद को बॉडी बिल्डर दिखाता है। और आजकल तो VFX की मदद से भी कॉस्ट्यूम के बगैर हीरो की बॉडी को वीडियो में चेंज कर दिया जाता है, जिसमें एक्टर अपने बड़े पेट को छुपाकर खुद को फिल्मों में बॉडी बिल्डर जाहिर करता है। इस तरह आपने देखा होगा कि बॉलीवुड या फिर तमिल मूवीज में जब हीरो गुंडे या फिर विलन को मारता है तो हीरो के एक पंच से विलन 5 से 6 फुट दूर गिरता है। क्या सच में इन सेलिब्रिटीज के पंच में इतना पावर होता है? तो इसका जवाब है, बिल्कुल भी नहीं। दरअसल जब फाइट के सीन को तैयार करना होता है तो पहले हीरो को समझा लिया जाता है कि तुम्हें इस पोजीशन में खड़े होकर इस डायरेक्शन में पंच मारनी है। साथ में गुंडे को भी समझा लिया जाता है जिसकी पिटाई की बारी होती है, और गुंडे के पीठ में एक मजबूत रस्सी बांध ली जाती है। फिर रस्सी को किसी क्रेन या फिर खींचने वाली मशीन से बांध लिया जाता है। जब गुंडा हीरो के करीब आता है और जब हीरो इससे पंच मारता है तो रस्सी को क्रेन की तरफ से पीछे खींच लिया जाता है। इस तरह ये सीन क्रिएट होने के बाद एडिटिंग और VFX के जरिए इस रस्सी को रिमूव कर दिया जाता है, और फिर ये लोग हमें आसानी से बेवकूफ बना लेते हैं।